इस सेशन में हम सीजन ऑफ डॉग्स की बात करते हैं। तो बहुत सी क्यूरीज आती रहती हैं कि यार हम नॉन टेक्निकल हैं, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट और कोडिंग से हमारा कोई तल्लक नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जो स्टूडेंट नहीं है वो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें, कैसे इस ओपन सोर्स के बेनिफिट से को अवेल करें। तो गूगल ने लास्ट ईयर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था सीजन ऑफ डॉग्स, ठीक है, ये बिल्कुल गूगल समर ऑफ कोड की तरह का है, ठीक है, इसकी पर्क्स सेम है, ठीक है, और इसमें आप एज ए राइटर, एज ए डॉक्यूमेंट क्रिएटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं लिखना पड़ेगा, कोई कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो बेसिकली सीन इसका सिंपल है कि ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल गूगल समर ऑफ कोड की तरह की होती हैं, ठीक है, आप टेक्निकल राइटर हो और आप ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करते हो कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट करना है, उन्हें पूरा प्रपोजल देते हो, मेंटर्स उसको रिव्यू करते हैं और आप एक्सेप्ट होते हो। तो तकरीबन परचेजिंग पावर पैरिटी की बेस पे आप पाकिस्तानी 11 लाख रुपये तक का स्कॉलरशिप अर्न कर सकते हैं गूगल सीजन ऑफ डॉग्स के थ्रू, और आप किसी भी पे गूगल सीजन ऑफ डॉग्स का एक थप्पा लग जाएगा और आपके कनेक्शन भी बन जाएंगे ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो ये प्रोग्राम काफ़ी मज़े का, ठीक है, इसमें आप बहुत लर्न करोगे। डेफिनेटली आपने जब कुछ चीज़ लिखनी है तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, और ये 3-4 महीने या इससे ज़्यादा प्रोग्राम चलता है। तो ये लास्ट ईयर के आप चेक कर सकते हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फिर उसने कौन सा किस स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया है, कौन से मेंटर थे उसके, उसने प्रोजेक्ट क्या था, प्रपोजल क्या था और उसने रिपोर्ट क्या दिया है। फॉर एग्जांपल अबाउट कोड एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है और ये किसी स्टूडेंट ने इधर या टेक्निकल राइटर, इसमें स्टूडेंट होना भी लाजमी नहीं है, ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी में इनरोल होना लाजमी नहीं है, तो उसने प्रपोजल सबमिट किया ये इसका, ठीक है, और वो एक्सेप्ट हुआ और फाइनल ये उसकी फाइनल रिपोर्ट है कि उसने क्या क्या काम किया है। इस तरह की 50 ऑर्गेनाइजेशंस ने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था, तो आप इनके प्रोजेक्ट देख सकते हैं, पहले ऑर्गेनाइजेशन देखें फिर उसके प्रोजेक्ट देखें कौन से एक्सेप्ट हुए हैं, फिर फाइनल रिपोर्ट स्टूडेंट ने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं, क्या डेफिशिएंसीज थी या क्या ज़्यादा चीज़ें अचीव की हैं, तो इससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है, अपना प्रपोजल कैसे लिखना है। और टाइमलाइन इसकी स्टार्ट हो गई है, प्रोग्राम अनाउंस हो गया है, नेक्स्ट मंथ से ऑर्गेनाइजेशंस एप्लीकेशन आ जाएंगी और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस अनाउंस होगी, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं और डेफिनेटली लर्निंग के साथ एक अच्छी खासी अमाउंट जीत सकते हैं। तो लाजमी पार्टिसिपेट करें। थैंक यू।